तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ जुग्गी मशीन का। देखिए जुग्गी मशीन का ये वाला ऑयल पंप जो यहाँ इस पत्ती के पास से टूट जाता है, तो इसको हम एक बार मैं नया आपको दिखा दूँ। देखिए ये है नया जो मैं इस मशीन के अंदर डालूँगा। तो ये देखिए ये पुराना ऑयल पंप जो इसके अंदर टूटा हुआ है, तो मैं नए वाले को जो है पहले रख देता हूँ और उसके बाद जो है पुराना वाला निकाल लेता हूँ। देखिए एक पेंच ये है, दूसरा पेंच ये है। दोनों पेंच को खोल कर हमें पुराना वाला ऑयल पंप निकाल लेना है। तो मैं फटाफट से इसको खोल लेता हूँ, आपको भी इसी तरीके से खोलना है। देखिए ये है जो है खुल गया है। तो उसके बाद देखिए इस वाले पाइप को हमें इस तरीके से घुमा के निकाल लेना है। और ये देखिए ये पुराना ऑयल पंप जो इस मशीन के अंदर लगा हुआ था, इसको मैं रख देता हूँ और नया पंप ले लेता हूँ। तो इसमें जो है हमें कुछ बात का ख़ास ख्याल रखना है और वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये वाला होल जो है हमें इस पाइप के अंदर लगाना है, और देखिए ये वाला पाइप जो है इस वाले बुश के अंदर लगाना है। तो एक बार मैं आपको करीब से दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है इसको लगाना। तो देखिए एक बार और मैं करीब से दिखा दूं। देखिए ये वाले जो है बुश के अंदर लगाना होता है। और देखिए ये है ऑयल टी, ये ऑयल टी है, और इसे जो है इस वाले रॉड से हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है सेटल को तेल पहुँचाता है हमारे। तो इसे चाहे तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले लगाने में ये होता है, कभी अगर आप ऑयल पंप लगा रहे हैं तो ये निकल भी जाता है, निकल भी जाता है, जब भी कोई परेशानी नहीं है। मैं लगा के आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा। तो देखिए मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद देखिए ये वाला होल जो है हमारे इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कट है, तो इस कट को जो है हमें इसमें सेट करना है। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है टी के अंदर लगेगा, तो मैं लगाने से पहले जो है फटाफट इसमें जो है हल्का सा तेल लगा देता हूँ, ताकि ये आसानी से इस पर लग जाए। तो देखिए मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से लगाना है, सब बातों का ख़ास ख्याल रखते हुए। तो देखिए टी के अंदर लगा रहा हूँ मैं, इसी तरीके से आपको भी जो है लगाना है। और देखिए ये जो है निकल चुका है नीचे, अभी जो मैंने टी वाला सेटल वाला जो रॉड लगाया था वो जो है निकल चुका है। तो कोई परेशानी नहीं, मैं बाद में भी आपको लगा के दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग बना दे रहा हूँ। और आपको इस तरीके से जो है हल्के हल्के पहिया घुमा के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंप का खांचा और गरारी रॉड का जो खांचा है जो पंप को घुमाता है, उसको हमें सेट करना है। तो देखिए ये जो है हमारा सेट हो गया है ऑयल टी, और आपको भी इसी तरीके से ऑयल टी सेट करना है। एक बार मैं आपको करीब से दिखा दूँ, देखिए। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, ये वाला देखिए पाइप जो है निकल गया है जो हमें बुश के अंदर लगाना था, तो इसको जो है मैं लगा देता हूँ। देखिए इसको भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको इस तरीके से पकड़ के फटाफट से कोई भी एक पेंच कस लेना है। तो नीचे वाला पेंच दिख रहा है, आप भी नीचे वाला पेंच फटाफट से इसको कसें। और उसके बाद देखिए ये दूसरा पेंच है, इसको भी जो है मैं फटाफट इसको कस लेता हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए इसके बाद जो है मैं थोड़ा टाइट इसको भी कर देता हूँ, क्योंकि ये लूज है अभी। इसको भी जो है मैंने फटाफट टाइट कर लिया। अब आती है इसकी बारी। तो इसको जो है हम कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है इसको सेट करने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको जो है कैंची लेके इसको जो है हमें यहाँ से काट लेना है, क्योंकि ये जो है चटक गया था। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है, आपको लेना है एक माचिस, और माचिस से जो है इसको हल्का कर लेना है। ये जो है रबड़ का होता है, ये टाइट पड़ जाता है तेल के वजह से, तो इसको चारों तरफ से इस तरीके से जो है हल्का जो है कर लेना है। और गर्म जब हो जाए, ये ज़्यादा आपको हीट नहीं करना है, इसको थोड़ा गर्म करना है। उसके बाद जो है ये खुद ही पिलक के इसमें लग जाएगा। जैसा कि आपने देखा मैंने इसको पिलगा के इस तरीके से लगा दिया है, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए ये जो है बराबर इसमें फिट हो गया है, इसी तरीके से आपको भी फिट करना है। और उसके बाद देखिए जैसा कि ये जो है नीचे से ये जो है निकल गया था, इसका सेटल में जाने वाला तेल जो होता है रॉड, वो रॉड निकल गया था। तो इसको जो है मैं फटाफट से लगा लेता हूँ, आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लगाते वक्त ये निकल जाता है, तो ये देखिए अब मैंने लगा लिया है। तो इसी तरीके से जो है आपको भी लगाना है। और उसके बाद जो है मैं मशीन को सीधी तरीके से रख लेता हूँ। और देखिए ये जो है पंप लगाने का आसान और सबसे अच्छा तरीका यही था, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। और एक बार जो है मैं आपको पुराना पंप दिखा दूँ। तो देखिए ये जो है पुराना पंप जो इस मशीन के अंदर लगा हुआ था, उसको मैंने अब निकाल दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से लगाना है नया पंप।